आज फिर से हम लोग वापस उसी टॉपिक पे चलते हैं कि हम लोग क्यों आए थे, क्या क्या मोटिवेट किया था हम लोगों को कि हम नेटवर्क मार्केटिंग को चुना हमने। ठीक है, तो मुझे पहला, मैंने ASBI क्लियर किया आप लोगों से कि ASBI का फॉर्मूला मुझे समझ में आ गया था कि अगर हमें क्वाड्रेंट चेंज करना है, हम चाहते हैं कि एम्प्लॉय या सेल्फ एम्प्लॉयड के वर्क से निकल के बिजनेस और इन्वेस्टमेंट की दुनिया में हम जाएं, बड़े बिजनेस में, तो हमें एक आम आदमी को जिसके पास कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्वालिफिकेशन नहीं है या कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ऑर्डिनरी टैलेंट नहीं है, आप में बॉर्न टैलेंट, जैसे आप बहुत अच्छे डांसर हो सकते हैं, बहुत अच्छे सिंगर हो सकते हैं, बहुत अच्छे प्लेयर हो सकते हैं, कोई बॉर्न टैलेंट आप में नहीं है और आपके पास बहुत बड़ा पैसा भी नहीं है कि आप बड़ा बिजनेस स्टार्ट कर सकें, तो एक और एकमात्र रास्ता है नेटवर्क मार्केटिंग की किसी अच्छी कंपनी में आप अपना 2, 3, 5 साल, 10 साल लगा के, 20 साल लगा के आप कुछ बड़ा कर जाएंगे, तो आप इन्वेस्टमेंट वाले क्वाड्रेंट में जाके फिर लाइफ को एंजॉय कर सकते हैं और आपकी आने वाली पीढ़ियां भी एंजॉय कर सकती है। ठीक है, तो ये बात क्लियर है कि ASBI ने मेरे को बहुत मोटिवेट किया था क्योंकि तो मुझे समझ में आ गया था कि 95% लोग वहां स्ट्रगल कर रहे हैं जहां पे पैसा 5% ही है पूरी दुनिया का। एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉयड लोग, एम्प्लॉयड लोग पूरे वर्ल्ड का जो वेल्थ है ना उसका 5% ही कमा पाते हैं और 95% लोग उसमें स्ट्रगल कर रहे हैं, और एक तरफ 95% वेल्थ है बिजनेस और इन्वेस्टमेंट की दुनिया में और वहां सिर्फ 5% लोग ही हैं। ठीक है, तो ये बात मेरे समझ में आया था, इसलिए मुझे लगा कि मुझे एक ही रास्ता है मेरे पास, क्योंकि मैं एम्बिशियस था। अगर आपके लाइफ में कोई एम्बिशन नहीं है तो आप क्यों करेंगे नेटवर्क मार्केटिंग? अगर आप बहुत संतुष्ट आदमी हैं कि चलो भाई भगवान का दिया दाल रोटी मिल जाए बस उसी से जी लेना है, और रोज सुबह से शाम तक कॉम्प्रोमाइज करने की आदत अगर आपको है, इतनी गर्मी में आप AC नहीं खरीद पा रहे हैं, फैमिली के साथ कहीं टूर नहीं करने जा पा रहे हैं, सर्दियों में आप बिजली का बिल बचा रहे हैं, अच्छी सब्जियां नहीं खा पा रहे हैं। ठीक है, कई लोग सुबह से शाम तक देखिएगा बच्चों की स्कूल फीस में कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं कि छोटे स्कूल में पढ़ा लो, सरकारी स्कूल में पढ़ा लो, बीमार हो गए तो हॉस्पिटल्स में जाने का, सरकारी हॉस्पिटल में इलाज करा रहे हैं या छोटे मोटे हॉस्पिटल में इलाज करा रहे हैं। मतलब सुबह से शाम तक लोग कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं सिर्फ इसलिए क्योंकि उन्होंने आसान रास्ता चुना है। नौकरी करना और छोटा मोटा व्यापार करना वो आसान रास्ता है, तो अगर आपके जीवन को आपको कुछ बड़ा बनाना है ना तो आसान रास्ते से काम नहीं चलता है, ये बात पहले अपने दिमाग में सेट कर लेना है। कई लोगों को उल्टा बता दिया जाता है कि नेटवर्क मार्केटिंग बहुत आसान रास्ता है। नहीं सर, आसान रास्ता नहीं है, बहुत सारे इमोशनल चैलेंजेस से आपको गुजरना पड़ता है और रोज गुजरना पड़ता है। कई बार लोग आपको, आप किसी के घर जाते हैं कहीं पे, आप डेमो दिखाने जाते हैं और बहुत गलत रिएक्शन भी मिल जाता है, फिर अपने आप को संभालना पड़ता है, हजारों नो सुनने पड़ते हैं। आसान नहीं है लेकिन ये आपकी लाइफ को आसान बना सकता है। इसके लिए हमें जो रॉबर्ट कियोसाकी जी ने कहा है कि अगर आप चाहते हो इस माइंडसेट से उस माइंडसेट में जाना तो कम से कम 5 साल लगते हैं, क्योंकि ये जीवन मूल्य है सर, जीवन की जो वैल्यूज हैं आपकी उसको बदलना आसान काम नहीं है। जीवन की वैल्यूज को बदलना आसान होता है क्या? मान लो आप बचपन में छोटे थे उस समय आपकी जो माइंड की प्रोग्रामिंग कर दी गई कि बेटा अच्छे नंबर लाओ और सुरक्षित नौकरी खोजो, और बड़े होके हम आपको बता रहे हैं कि नहीं सुरक्षित नौकरी होता ही नहीं है कुछ, तो आपकी वो प्रोग्रामिंग चेंज होने में कितना समय लगेगा सर? बहुत मुश्किल काम है, क्योंकि बचपन से आपको सिखाया गया है कि नौकरी ही में ही सुरक्षा है, सुरक्षित नौकरी खोजो, एक ही नौकरी जीवन भर करते रहो, सरकार के भरोसे बैठे रहो, सब कुछ सरकार के भरोसे छोड़ के कि सरकार सब्सिडी देगी, सरकार आपके बच्चों की फीस माफ कर देगी, सरकार एजुकेशन लोन देगी, और उस तरह से लोग अपनी लाइफ बिता ले रहे। तो 99% लोग सर आज भी अपना जीवन सिर्फ बिता देते हैं, कुछ लोग होते हैं जो जीना पसंद करते हैं और वो जीते हैं। तो ये जो बिजनेस है ना, कल शैली जी ने बड़ी अच्छी बात कही थी कि यहाँ पे लाइफ है, रोज हम नए लोगों से मिलते हैं, रोज नए नए एक्सपीरियंसेस हमको मिलते हैं। जरा सोच के देखिए उन लोगों के लिए
मान लो आपकी कोई किराने की दुकान है, ठीक है, और आप एक गली में हैं, प्रेमपाल जी की गली में, मान लो आगरा में एक गली में आपकी किराने की दुकान है और बगल में आपका घर है। रोज आप घर से निकलते हो, दुकान आते हो, शटर उठाते हो, दिन भर बैठते हो, दिन भर जो ग्राहक आए उनको करते हो, फिर शाम को कोई सामान जो कहीं से आप लाते हो वहां से लाने चले जाते हो, फिर रात को 9 बजे दुकान बंद करके घर जाते हो, टीवी में समाचार देखते हो, फिर रात को सो जाते हो, फिर सुबह उठते हो, फिर सुबह उठ के फिर दुकान पे जाते हो, शटर उठाते हो, और शटर उठाने के बाद सामने जो सीन दिखता होगा सर, वो सेम ही रहता होगा कि रोज बदल जाता होगा? सोच के देखिए। कोई बोलो यार। बिल्कुल सेम सर, सेम मैंने तो रहा, 4 साल तक चलाया है दुकान। 4 साल चलाया है, तो हाँ सोच के देखिए कि एक ही जॉब में रोज जाना, एक ही बॉस का चेहरा रोज देखना, एक ही काम रोज करना, रोज सुबह जाना, शाम को आना टिफिन लेके, ठीक है, वही किराने की दुकान, वही दवाई की दुकान, वही होलसेलर, रोज एक ही काम करना, एक ही काम रोज करते रहना, रोज एक ही काम करते रहना, और सेम पिक्चर रोज दिखेगा, क्योंकि तो दुकान तो वही है, तो शटर उठाएंगे तो सीन तो वही दिखेगा ना सर। बिल्कुल अभी प्रेमपाल जी बैठे हैं, कहाँ बैठे हैं, जोधपुर में, तो उनके होटल से अगर खिड़की खोलेंगे तो नजारा अलग होगा ना सर। अभी पंत साहब पता नहीं कहाँ बैठे हैं, तो उनका भी नजारा अलग होगा। तो हम लोग रोज नजारे बदलते रहते हैं, और ये कितना अगर इसको हम एक्सपीरियंस करें तो कितनी बड़ी बात है। सोचिए कि बिल्कुल 10 साल, 20 साल, 30 साल, 40 साल तक लोग एक ही काम कर रहे हैं, रोज सुबह 9 बजे घर से निकल रहे हैं, बारिश हो, धूप हो, जो मर्जी हो, मतलब कितना मोनोटोनस काम है, लेकिन क्यों कर रहे हैं? क्योंकि बिल पे करना है, वो बिल पे करने के लिए काम कर रहे हैं सर। लाइफ में उनका कोई एम्बिशन नहीं है, बस बस जिंदगी कट जाए, एक बेटी है उसकी शादी हो जाए, दो बेटा है वो पढ़ जाए, बस इतना ही है, एक छोटा सा घर हो जाए कहीं पे, चाहे शहर से 20-50 किलोमीटर दूरी हो जाए, कोई चक्कर नहीं है, सारा कुछ। इसीलिए वो भजन सुनाया मैंने आपको कि जैसा सोचोगे तुम वैसा बन जाओगे, होश।